चल मैं आता हूँ, आता हूँ। अच्छा फिर अगर औरतों की इज्जत का सवाल है तो फिर आऊंगी। थैंक यू। कुमार सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। अब क्या रिक्वेस्ट? ये है कि किसी को मालूम ना चले कि वो गाना आपने गाया था। मेरी बीवी मुझे ऑलरेडी दो कौड़ी का समझती है, अगर उसे मालूम पड़ेगा कि वो गाना आपने गाया ना तो मुझे जूती समझ के पैरों में पहन लेगी। बहुत अच्छा, आई लाइक इट। ना ना, क्या है कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कल आके जो सेटिंग नहीं हुआ वो सेट कर देंगे। थैंक यू सो मच, यू आर अ डार्लिंग। काम मर गया तो या टीका, मैं अस्पताल गया तो सारे सोनम से मिलके आ रहे हो। मेरे मेहरबान दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस महफिल में। तो आइए शुरू करते हैं संगीत का ये महा मुकाबला, फाइनल मुकाबला, और एक बार फिर से शुरू करेंगे हमारे विभूति भैया। विभूति भैया स्टार्ट। जरा मैं दोबारा गरारे करके आता हूं। Just give me a minute, please. अरे दादा, जो फिर से गरारे करेगा, इतने बैठे बैठे दरारे पड़ गई। सर, सर यू ग्रेट सर। इट्स ओके। हाँ सर। सर थैंक यू सो मच। आप तो जानते हैं कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। अरे शक्ल भी तुम्हारा लिखा हुआ है शादीशुदा है यार। तुम एक काम करो, तुम मुंह हिलाओ, मैं जाता, मैं गाता हूँ पीछे से। चलो कम ऑन, कैरी ऑन कैरी ऑन। काली काली आंखें, एक गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आंखें, ये भोपू इतना अच्छा कब से गाने लगा? अबे भी समझ में नहीं आ रहा भाभी जी, भोपू के मुंह से बांसुरी कहां से फूट रही है? ये हिरनी जैसी चाल। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने, तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से।
असाब पर बैठ सकते हैं। देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं, ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।